हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? मैं यहाँ पे अच्छी हूँ, और आप लोग कैसे हो मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। तो आज मैं इसलिए आपके साथ बातचीत कर रही हूँ क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मेरे ये कहते हैं कि आप आमने सामने नहीं आते हो। तो आप सभी को पता है कि आजकल थोड़ा सा हम लोग जो है बिज़ी है, हमारा खेतों का काम चला हुआ है, तो इस वजह से हम लोग आपको अपना फेस ज़्यादा नहीं दिखा पाते, और हम आपके लिए आजकल ज़्यादा अच्छे ब्लॉग भी नहीं लेके आते। तो कुछ लोग सब्सक्राइबर हमें कहते हैं कि हमें बाहर वाले ब्लॉग दिखाइए, तो कुछ कहते हैं कि बाहर वाले हमें नहीं देखने हैं तो हमें घर वाले ही देखने हैं, तो हमें मिक्स करना पड़ता है, कभी बाहर वाले बनाने पड़ते हैं तो कभी घर वाले ही। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं कि हमारा नाम लिया कीजिए, तो आज मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। तो हमारे वैसे तो बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं सभी। तो जैसे एक सब्सक्राइबर है हमारे संजय सोलंकी जी, तो संजय भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप हर रोज़ हमें मैसेज करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक छाया कुमारी, सी वी ढिल्लो, और छाया कुल्ले जी, और मैं और के नाम भी पढ़ती हूँ, सरिता सिंह जी और वैशाली जी, इन्होंने लिखा है कि हम लोग पुणे से आपका ब्लॉग देखते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कल अपने ब्लॉग में, तो लज्जा ठाकुर जी हैं कोई, तो उनकी बेटी नेहा का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। नेहा, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि मेरे सब सारे सब्सक्राइबर नेहा को जो है बहुत सारा आशीर्वाद दें, उनके लिए अच्छी अच्छी विशेस लिखें। तो जिनका भी नेक्स्ट डे बर्थडे होगा या मैरिज एनिवर्सरी होगी, तो आज ही आप हमें हमारे ब्लॉग में लिख देना कि आप हमारा नाम लीजिएगा, क्योंकि होता है किसी को कि भाई हाँ हमारा नाम ले, तो मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, और जिनकी भी रिक्वेस्ट होगी मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं भी आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल महामारी का दौर चला हुआ है, पूरे विश्व में ही ये बीमारी फैल गई है, तो ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखें। आजकल उनकी पढ़ाई भी थोड़ा सा, स्कूल वगैरह भी बंद हो गए हैं, तो उनको घर पर ही पढ़ाइए और उनको कहीं बाहर जाने ना दीजिए, क्योंकि आजकल किसी को भी पता नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द कहाँ किसको ये बीमारी है, तो इसलिए उनको घर पर ही रखें और उनकी पढ़ाई घर पर ही चालू करें। और नेक्स्ट ईयर मैं चाहती हूँ कि जैसे ही नया साल आएगा तो ये जो बीमारी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और हम सब लोग मिलजुल कर रहें और ऐसे ही बातचीत करते रहें। तो आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, मैंने इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग किस तरह से काम करते रहते हैं, और बहुत से लोग कहते भी हैं कि हमें कभी धान वगैरह दिखाइए, तो हम लोग उसको भी दिखाते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग देखिए अब नेक्स्ट, तो फिर हम आपसे कल बातचीत करेंगे, और आपको कल कौन सा कंटेंट चाहिए वो भी आप लिख देना, क्योंकि फिर मैं वही लाऊंगी आपके लिए। तो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ इस सुंदर से नज़ारे से। तो वैसे तो आप हर रोज़ देखते हो, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप लगी हुई है, और चारों तरफ से ये पहाड़ियाँ बहुत अच्छी दिख रही है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए ज़रूर, और कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो एक बार फिर से नेहा को हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से। तो आप जियो हजारों साल। तो आज मैं आपको ब्लॉग में ये भी बताऊंगी कि हम लोग ने आज क्या क्या काम किया। तो ये हमारे लौंकों की बेल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो ये और ज़्यादा फैल गई है और इसमें और ज़्यादा लौंकों लग गए हैं,
तो हम लोग भी इसकी 3-4 बार सब्जियां खा चुके हैं और फिर से ये अगले दिन उतने ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे घर की हालत थोड़ा सा खस्ता हो गई है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा काम चला हुआ है। तो मैं आपको एक झलक यहाँ की भी बता दूँ क्योंकि मैं आपको सेम टू सेम जो कि हमारे घर में जैसे जैसे रहन सहन है वो मैं आपको एज इट इज़ वैसे ही बता देती हूँ। तो साथ में कर लेते हैं दर्शन प्रभु जी के भी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीर मैंने कमरे में लगाई हुई थी, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर करना जरूरी चाहा। तो दिन ब दिन हमारी फैल रही है, जैसे ही हम टीवी अखबारों में पढ़ते हैं तो बहुत टेंशन सी भी हो जाती है कि कैसा माहौल सा आ गया है। तो इसलिए अपना ध्यान आप खुद ही रखें क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है। तो खाना बनाने के बाद सुबह जल्दी जल्दी मुझे अपने पूरे घर को भी साफ करना पड़ता है, तो घर की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, तो अपना काम जल्दी जल्दी ही कर लेना बेटर है। हम लोगों ने आज अपने क्यारियों में बीज लगा दिया है, तो आप देखोगे नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है। तो आज हम बीज लगा लेंगे और थोड़े टाइम बाद ये फसल देना भी शुरू कर देंगे। तो आज हमने अपने क्यारियों में लगाया है लहसुन प्याज मटर सब कुछ। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में क्योंकि मम्मी जी आपको आगे बताएंगे कि हमने किस तरह की बीज लगाए हुए हैं और किस तरह से हम लोग बीज लगाते हैं खेतों में तभी अच्छी फसल होती है। तो पिछली बार भी हम लोगों को बहुत सारा हरा धनिया हुआ था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खाया था और मटर भी बहुत ज़्यादा हुए थे। तो ये जो देसी लहसुन हम लगाएंगे वो आपको मम्मी जी ही आगे बताएंगे। तो यहाँ पे लहसुन खेत में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। तो ये मम्मी जी यहाँ पे इसको साफ कर रहे हैं और फिर बाद में हम इसको खेतों में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी कलियाँ किस तरह की हैं। तो यहाँ पे आप आइए मेरे साथ ब्लॉग देखिए, ये देख लीजिए। तो सुबह सुबह ही ये काम हो रहा था सब कुछ। तो ये हम लोग अब पहुंच गए खेतों में और हमने यहाँ पे खाद डाल दी है और ये केंचुआ खाद है। तो हमने आप लोगों को एक केंचुआ सेट भी आपको दिखाया था, तो हम लोगों ने यहीं से ये खाद लाई है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमने क्यारी बिल्कुल कल साफ की थी तो वहाँ उस पर हमने खाद डाल दी है और फिर ट्रैक्टर की सहायता से इसको जोत भी दिया है और फिर हमने इसमें बेस भी लगा दिया। और ये हमारा न्यू ट्रैक्टर जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, क्योंकि हमने पहले भी लाया था तो वो छोटा था, तो इसलिए हमने एक और बड़ा सा लाया है ताकि हमारी ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर उसके लिए ट्रैक्टर भी अच्छा चाहिए। तो हमारे पास अब हो गए हैं 2 ट्रैक्टर, एक बड़ा ट्रैक्टर और एक छोटा ट्रैक्टर। तो हमने अपने खेत भी बीज लिया है और आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए ये सब कुछ ही लेके आई थी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी, तब तक आप कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा और फिर हम आपसे कल मिलेंगे। और यहाँ पे मम्मी जी देख लीजिए आप खेतों की किस तरह से सफाई कर रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से साफ। तो आज के ब्लॉग को कर रहे थे यहीं पे समाप्त, कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सबको एक बार फिर से नमस्ते, बाय बाय।